तो गाइस सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। एसी में निकलने के बाद ऐसा हाल हो जाता भाई, पूरा सेटअप टेररिस्ट पे। ये मेन हमारे बढ़िया का, ये सीख हमारे सीख वाले दोनों ही समझ लीजिए आप नहीं लेकिन स्वाद यहाँ पे हमारे सीखने वाले एकदम ऐसा बहुत कड़क सेटअप है। आप आगे ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर प्लेयर है। चलो कहाँ बैठी, यहाँ बैठो बैठो ना सब। हाँ तुम बैठो, इनका रिव्यू दो, रिव्यू दो, आओ बैठो फैशन बैठ। होटल में आया हो खाना खाने, टेबल पे खाना वाला सब मिल गया, पैसे जमा करते। सब साथ में खाते थे ना? हाँ तो नहीं आते जाएंगे, खाते जाते हमारा ऐसे चलता जल्दी। भेज तो करो आप खड़े खड़े गाय के भाई कवर अप कर। हाँ कैसा आई टेस्ट? अच्छा अच्छा, कितना रिव्यू देंगे मेरे पापा को? 100 में से 100 10 वाली रेटिंग ही। और इनको इनको 100 में से 110 मैंने चूरी लाई थी, और चूरी रखी ना, बोली थी चूरी हमारी सूरत की मामला के बाद चिकन मामला गुजराती में हो गया दो बार। तुम बोलो मालूम नहीं क्या बोल रहा है, इधर मैं को गुजराती सिखा के रहेंगे। आने आने चिकन चिकन मामला के बाद आने चिकन मामला के बाद ले मैं नहीं जलना बोला आज सिखावे गरम गरम छे आज गरम कैमरा मैंने एक मिल गया। चल रहा हूँ मैं मस्त शूट कर रहे, बोल भी रहे खुद भी बोल रहे, पता चला अच्छा। ये तुम्हारे वहाँ जो टिक्के बनाने आए थे ना अपने मंगनी में, उसके हाथ के लॉलीपॉप जिसमें अपना चिकन लॉलीपॉप कौन सा ले? ये शेजवान वाले कौन से तो हमारा पेट भर के खाना हो गया है, सब लोग ने हमने खा लिया। अभी फैजान भाई और मेरा हुक्का सेशन है, हम दोनों पिएंगे और बाकी तो सब दिखा दो इधर कैमरामैन जल्दी फोकस करो। यहाँ का हमारा उठ चुका है सेटअप, बस हुक्का पिएंगे, खाना हजम करेंगे, सीख हजम करेंगे। हुक्का जी दिखा दो, बड़ा आलीशान हुक्का है, बड़ा बड़ा, और सो जाएंगे। खुदा हाफिज। द नेक्स्ट डे इंस्टाग्राम है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं आप बढ़िया रहेंगे, हम सब बढ़िया है। और आज है डे टू सूरत में, और आज हम लोग थोड़ा बाहर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? डांडी करके है, बीच और तीतल, डांडी ब्रिज, ब्रिज ना बीच, सॉरी डांडी बीच और तीतल, तीतल हाँ। तीतल करके कोई जगह है, जाके अच्छी जगह है, थोड़ा हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसा टाइप है वो, वहाँ पर भी हम लोग चारों जन घूमने जा रहे हैं, गांधी बाबू के दर्शन करने। हाँ गांधी जी से मुलाकात करने आ रहे, बहुत वैल्यूएबल इंसान है वो इंडिया में। सूरत, सूरत की एक चीज़ काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता है,
एक चीज दो तीन चीज अच्छी है, एक ट्रैफिक की बात। सूरत की सारी चीजें बहुत अच्छी है, सूरत बेस्ट है। हाँ सूरत बेस्ट है भाई, सूरत वासियों के मुंह से सुनो, क्योंकि वही रिव्यू दे सकते जो रहता है, अच्छी बातें तो वही बता सकते हैं। हमारे हिसाब से हमारे इधर जैसा मुंबई में काफी ट्रैफिक रहता है, यहाँ पर क्या गाड़ी चलती है तो चलते ही रहती है, ये सिग्नल का है ये ट्रैफिक दिखा दो। अभी झूठ बोला, बोले अभी साले ट्रैफिक में रुके हो, ये क्रॉसिंग का है, ऐसा नहीं रहता ट्रैफिक। बाकी देखते आगे आगे जुड़े रही है कैसा है क्या है, और हमारे पर्सनल कैमरामैन तो है ही हमारे साथ। ट्रैफिक की तारीफ किया, ट्रैफिक वहाँ पर लग गया, यहाँ पर भी अटक गया मैं ट्रैफिक में, क्या बोले गया यार। हाँ हाँ ये देखो कवर कर रहे हैं, बोले थोड़ी देर का ट्रैफिक रहता है। हो गया हो गया, यार एक डेढ़ घंटा थोड़ी रहता है। और यहाँ पर मतलब ये पुणे में देखा हो मैंने ये चीज, जैसे कि बस का लेन यहाँ पर अलग बना है, और मुंबरा में और मुंबरा बना मुंबई में तो पहले ही इतना कंजेस्टेड है बस के लिए, तो क्या ही लोग लेन बनाएंगे, पर ये तो बस में अलाउड नहीं है ना भाई, दूसरे अलाउड नहीं है, तो फिर दूसरी गाड़ी वाड़ी जाते दंड ले सकते हो लोग। अच्छा फाइन है उस पे, ये तो फाइन होएगा, नहीं पकड़े तो फिर निकल जाओ, अगर पकड़ लिए तो फाइन। ये यहाँ पे बस की लेन है ये छोटी सी, ये तो बंद है, वो काम चालू काम चालू है, इसमें सिर्फ बस चलती है यहाँ की, BRTS BRTS नाम है। और ये कौन सा इलाका है अभी अपन जा चल रहे? ये अभी बेस्टन साइड है, ये तो ड्राइवर जिसकी गाड़ी रहती भाई वो ड्राइवरी का रोल प्ले करता है। फ्रेंड डेढ़ दो घंटे का सफ़र तय करके अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे डांडी बीच पे, ये पहले बीच पे जाएंगे उसके बाद म्यूज़ियम टाइप है वहाँ पर, सारी जानकारी दी गई है मतलब कैसा क्या हुआ था डांडी मार्च जो किए गए थे। अभी यहाँ पर हम लोग पार्किंग में लगाते हैं और बीच का नज़ारा ज़रा देख के आते हैं, वैसे तो बाहर गर्मी बहुत है तो ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं बीच पे, थोड़ी देर रुक के आ जाएंगे। बस मेरी हद यहाँ खत्म हो, इसके आगे नहीं ना, अरे इसके आगे तो जाना है, नहीं यार बहुत धूप है, नहीं नहीं बहुत धूप है। तो हम लोग डांडी बीच पे पहुंच गए, यहाँ पर भी आए थे क्या गांधी जी, उसको कुछ पता है? यहाँ पे ही नमक हाथ में उठाए थे, और उनका म्यूजियम उस साइड म्यूजियम है, ये तो पैसे ढूंढने आया। हाँ ये पैसे ढूंढने आया, नहीं गांधी जी ने बोले यहाँ पे गाड़े हुए कुछ सीक्रेट की, भाई को पूछा है, सपने में आए थे इसके लिए आका प्लान बना। फ्रेंड्स ब्रिज पे से तो हम लोग निकल गए, ये बीच पे इतना कुछ था नहीं खास, और उल्टा पसीने में हम लोग वो हो गए लथपथ। अभी उधर म्यूज़ियम में जाते, म्यूज़ियम के पास है दिखाने लायक चीज़ है, वहाँ पर जाते हो दमो दम हो गए दमो दम। यही चेक है, ये यहाँ पे हुआ था सत्याग्रह, तो सत्याग्रह जो भी है। सत्ता लिखेला था वो पढ़ने में हुआ देगा जाने का। टिकट पार्किंग डांडी, हाँ पार्किंग है। का है वा? ये आ गए गांधी जी के, हम आ गए। क्या हुआ? टॉयलेट वॉयलेट भी है वहाँ पे, मुंह धो लेते पहले। कहने वाला था अब भी वही निकला मुंह तो तुमने बोल दिया टॉयलेट। प्रवासी समुद्र केंद्र डांडी, ये क्या शॉर्ट है, गुजरात में है लेकिन मराठी में लिखे है।
नहीं ना वो हिंदी में लिखेला है। हाँ हिंदी में लिखेला है, गुजराती में नहीं लिखेला है। मतलब मेरे कहने का मतलब समझे नहीं आप लोग? नहीं तो हिंदी में लिखते ना, हिंदी में बोलते ना इसके लिए। ठीक है ठीक है। वहाँ से टिकट लेने का रहता है 20 रुपए का, क्योंकि यहाँ म्यूजियम, यहाँ पे अंडर म्यूजियम है। म्यूजियम में जाने के लिए 20 रुपए का टिकट और 20 रुपए की पार्किंग है। ठीक है, सस्ता है। और बाकी हमारे दो जन वहाँ पे आईने में मुंह देखते खड़े धूप तान में। हाँ ये जो तीन चीजें आज, तीनों में से कुछ फॉलो नहीं हो रहा है। इनमें से कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा। आज का जमाना ऐसा आ गया है भाई, क्या बोल सकते। गांधी जी पाले नहीं होंगे यार। उनका उनका डायलॉग था वो, क्या बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। सब लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट निकाल के पढ़ सकते हैं आप लोग। अंदर कुछ है क्या? सबसे बेस्ट तरीका है, नीचे फूट स्टेप दिए हो, ये फूट स्टेप को फॉलो करो और चीजें देखते देखते आगे चलो। फ्रेंड्स इतनी डीप चीजें गांधी जी के बारे में और उस वक्त के बारे में, मतलब हिस्ट्री के बारे में बताई गई है ना, बाल से बारीक चीज इसमें लिखी हुई है। अभी मैं सब कवर करने जाता तो गाइस बहुत बड़ा वीडियो हो जाता ये, तो इसके लिए मैंने कवर तो किया वो सब, लेकिन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया हो। मैं चाहता हटा भी सकता था ये पार्ट को, लेकिन मैं हटाना नहीं चाहता भाई, ये पार्ट रहना अच्छा। तो खरीद सकते हैं, मतलब खादी के फैब्रिक से कपड़े बने हैं, तुमको मालूम है? पता है 1020 कुछ भी रख दो। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक। बुक्स अपना कोई लेना देना नहीं है मुझे। ले फिरन तो ना पढ़े लानी पढ़ियो इसमें से। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पढ़ सकते हैं। हाँ ये वेदा के शैम्पू आते हैं ना आयुर्वेदिक, खादी ऑनलाइन भी मिलता। छोटे छोटे चरखे मस्त लग रहे ना। नहीं ये
तो हम लोग अभी यहाँ पर म्यूजियम के अंदर ही खाने के लिए थोड़ा बैठे हैं, बस सॉस है ना। हम लोग ने गाइस समोसा और पिज्ज़ा वगैरह मंगाए थे, खा के निकलते हैं आगे, और आगे भी म्यूजियम है वो उस साइड है, तो उस साइड जाना पड़ेगा चल के। ये थोड़ा अलग है और वहाँ थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वो जो मेन चीज़ है। हो गया खा पी के हमारा, हम लोग जा रहे हैं क्या है? म्यूजियम। म्यूजियम तो वो था, मार गई है नहीं, म्यूजियम हो गया, अब अंदर भी पता नहीं कुछ तो भी है, देखते चल के। साथियों के साथ है, उनके स्टैचू वगैरह है सब, लेकिन अंदर एक ऐसी चीज है, मजा आ जाएगी देख के। उसमें ऐड करता ना तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। जो पिछला वीडियो डाला था, नहीं देखा रहेगा तो जाके देख लो, अगर उसमें ऐड करता ना तो वो वीडियो काफ़ी बड़ा आया था। बाकी का अगला वीडियो भी आ जाएगा बहुत जल्द ही, और बाकी सारी चीज़ें भी फटाफट चल रही है, शादी की डेट भी ऑलमोस्ट नज़दीक आ गई है, तो उसकी भी तैयारी चल रही है, उसके भी अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। तो भाई पहले से जिसने नहीं किया सब्सक्राइब करके रख लो, चैनल देखो, विजिट करो, समझ में आएगा सब्सक्राइब कर लेना, और डेली ब्लॉग आते रहेंगे एक एक दो दो दिन के गैप में, सपोर्ट कीजिए, ऐसी प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, खुदा हाफिज़। और अगला ब्लॉग आएगा उसके लिए रेडी रहिए।